नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। यूपी में नकल माफियाओं पर एक्शन के लिए सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अगर कोई भी नकल करते या फिर नकल करवाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एनएसए लगाई जाएगी। ना सिर्फ उनकी संपत्ति कुर्क होगी बल्कि साथ देने वालों पर भी तगड़ा एक्शन होगा। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद अधिकारी सतर्क हो गए हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में नकल माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने नकल माफियाओं के खिलाफ एक्शन के लिए इतने बड़े कदम उठाए हैं कि नकल माफिया थर थर कांप उठे हैं। दरअसल यूपी में अगर 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा में कोई नकल करते पकड़ा गया तो उस पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 लगाया जाएगा। इसमें शामिल शिक्षक या अन्य किसी भी संलिप्त पाए जाने पर पुर्की की जाएगी। इस बार उन स्कूलों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है जिनके खिलाफ एसटीएफ ने रिपोर्ट दी थी। परीक्षा पेपर भी डबल लॉक में रखे जाएंगे जिनका अलग स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद के मुताबिक शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा की गई है। साथ ही निर्देश जारी किए गए हैं कि सरकार ने यूपी बोर्ड को नकल विहीन बनाने के लिए परीक्षा के बाद कॉपियों की रैंडम चेकिंग की जाएगी। नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। नकल करने वाले छात्रों को भी बख्शा नहीं जाएगा। यूपी सरकार उन पर एनएसए लगाएगी। नकल में शामिल पाए जाने वाले व्यवस्थापक कक्ष निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हैं। पहली बार हर पेज पर बारकोड की व्यवस्था लागू की जा रही है। 3,30,00,000 कॉपियों पर बारकोड का इस्तेमाल किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत प्रैक्टिकल परीक्षाएं पहले चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल में हो रही है। जिन विद्यालयों में सीसीटीवी की सुविधा नहीं है वहां पंजीकृत छात्र छात्राओं के लिए सीसीटीवी सुविधा वाले नजदीकी विद्यालय को प्रैक्टिकल परीक्षा केंद्र के लिए निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड 12वीं 10वीं परीक्षा 2023 की डेटशीट जारी हो चुकी है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होंगी और 4 मार्च तक चलेंगी। 58,00,000 से ज्यादा छात्र यूपी बोर्ड परीक्षा देंगे। तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए योगी सरकार ने सख्त से सख्त कदम उठाए हैं। जो नकल करते और करवाते पकड़े जाएंगे यूपी सरकार उन पर एनएसए लगाएगी। नकल में शामिल पाए जाने वाले परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक कक्ष निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पूरे प्रदेश में उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक एक परीक्षा केंद्र पर बारीकी से नजर भी रखी जा रही है। सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी चालाकी ना कर पाए। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।